सुबह मिश्रा आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सबकी बड़ी खबर पटना से, जहां तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा का पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने बहुत बड़ा खुलासा किया। परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था और इस पेपर लीक कांड के तार हजारीबाग से जुड़े, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई और झारखंड पुलिस की टीम एक्शन मोड में आई, जिसके बाद शक के दायरे में आए 270 अभ्यर्थियों के साथ संगठित गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए अभ्यर्थियों के पास से जो प्रश्न पत्र और आंसर शीट मिले, उससे इस बात के सबूत मिले कि तीसरे चरण की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिससे बीपीएससी के फुल प्रूफ इंतजाम के दावे की हवा निकल गई। अब तक की जांच में जो सबूत मिले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इस कांड से जुड़े माफिया ने अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपए तक की वसूली की और इस पूरे मामले में ईओयू ने अपने ही थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटे हैं। गिरफ्तार सभी 270 अभ्यर्थी और संगठित गिरोह के सदस्यों को पटना लाकर बीएमपी में रखा गया है और आज देर रात ही सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता।